अगर आपके पास रोजगार के आइडियाज हैं, आप नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं और इस तरह के आइडियाज हैं कि आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जिसमें कई लोगों को आप रोजगार दे पाए, और फर्ज कीजिए कि अगर आपके पास फंड्स या फिर पैसा भी नहीं रोजगार खड़ा करने के लिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार इस तरह की 4 योजनाएं लेकर आई है जिसमें आपका ये सपना पूरा हो सकता है। यानी आपके आइडियाज़ के ज़रिए आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और इसमें अगर आपको कहीं फंड्स की ज़रूरत होगी तो सरकार आपको मदद करेगी। आज हम आपको ऐसी 4 योजनाओं के बारे में बताएंगे जो सरकार ने शुरू की हैं। तो केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना के तहत जो सबसे पहला है वो है मुद्रा लोन, यानी कि बिना किसी गारंटी के आपको सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध करवाया जाता है। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। मुद्रा योजना 3 तरह के लोन आपको उपलब्ध करवाती है जिससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर भी सकते हैं। इसमें शिशु मुद्रा लोन है जो कि 50,000 रुपये तक है। किशोर मुद्रा लोन भी आता है जो कि 50,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक आपको मिलता है। इसके अलावा तरुण मुद्रा लोन भी है जो कि 5,00,000 से लेकर 10,00,000 तक आप ले सकते हैं। और अगर इसी योजना की बात करें तो अभी तक कितने लोग इसका फ़ायदा ले चुका है उसका जिक्र भी करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले 6 सालों में 28.68 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसका फायदा हो चुका है, यानी 14.96 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिसमें छोटे व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। वो लोग जो कि छोटा छोटा कर्ज लेना चाहते हैं उनको फायदा हुआ, और इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मुद्रा योजना के तहत करीब 88% शिशु लोन दिए गए हैं जिससे उनको फायदा हुआ है। और इसके बाद स्टैंडअप इंडिया योजना का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये योजना खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी, और ये भी 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें ग्राउंड लेवल पर लोगों को प्रशिक्षित करना या फिर वहाँ से लोगों को उठाना और उनके बिजनेस को और ज़्यादा आगे जाकर फ्लरिश करना ही सबसे ज़्यादा इसका मकसद था। तो रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात इसमें कही गई थी। इस योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन मंजूर अभी तक किए जा चुके हैं। इस योजना का मकसद ये था कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान हो, कहीं ना कहीं उन लोगों के फायदे के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस योजना को फिलहाल 2025 तक आगे कर दिया गया है, और इस योजना के तहत आप कम से कम 10,00,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और अब बात करेंगे MSMEs की। इसकी शुरुआत और इसका मकसद सीधे तौर पर ये था कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और कोरोना काल में कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी रहा है। इसमें 31 मार्च 2021 तक इसकी समय सीमा थी, लेकिन फिलहाल इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसको अब 30 जून तक कर दिया गया है। और इस स्कीम के तहत मंजूर लोन राशि मिलने की जो अंतिम तारीख होगी वो 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। ECLG योजना की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही की गई थी। शुरुआत में ये स्कीम पूरी तरह से MSMEs पर ही निर्भर थी, लेकिन बाद में इसमें प्रोफेशनल्स को भी जोड़ा गया, और फिर उसके बाद ये तय किया गया कि इस स्कीम के तहत लोन का मौका बड़ी कंपनियों को भी दिया जाएगा, यानी कुछ बड़ी कंपनियां भी स्कीम के तहत लोन ले सकती हैं और वो भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और अब बात स्वनिधि योजना की कर लेते हैं। ये छोटे रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना थी, यानी कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो बिना किसी गारंटी के कम 10,000 रुपये तक का लोन आपको मिल सकता है। और इस योजना के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ़ायदा रेहड़ी पटरी लगाने वाले बहुत सारे लोगों ने लिया, खासतौर पर कोरोना काल में, और कम से कम 50,00,000 लोग इसका फ़ायदा ले चुके हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इसी पैकेज की शुरुआत की गई थी, और इस योजना की जिम्मेदारी केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के पास होती है। सरकारी आंकड़ों पर अगर नज़र डाली जाए तो अभी तक इसमें 41,18,397 आवेदन आ चुके हैं, और उनमें से भी 23,87,276 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है, और 20,06,147 आवेदनों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया भी जा चुका है। तो रेहड़ी पटरी वालों को ये कर्ज 1 साल के लिए दिया जाता है, जिसकी मासिक किश्त उनको जमा करनी होती है, और इसमें भी अगर आप अपनी किश्त सही समय पर जमा करते हैं तो इसमें 7% की आपको सब्सिडी भी मिलती है, और इसके साथ साथ 1200 रुपए तक का कैश बैक भी आपको मिलता है अगर आप अपना लिया हुआ कर्ज समय से चुकाते हैं। तो